हे यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूँ मैं फिर से एक और टेक्निकल वीडियो लेके, और इस बार हमारे टेक्निकल वीडियो में है मैक्सटर Z1 SSD, जो कि सीगेट का SSD है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सीगेट का SSD ऑलमोस्ट एक साल पहले रिलीज़ हुआ था, और उससे बहुत पहले से ए डेटा और किंगस्टन SSD की दुनिया में बहुत पहले से ही चल रहे हैं। उस पर भी मैंने वीडियो कवर किया है। अगर आपने वैसा वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में जाके क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी चेक करिए। प्लस इसका मैं कंपैरिजन भी करूँगा, ये किंगस्टन और ए डेटा के SSD से कितना बेटर है या सेम है, तो वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो को कम्प्लीटली देखिए जानने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए व्यूअर हैं, तो मेरा नाम है तौसीफ अली, ये मेरा चैनल टेकी तौसीफ। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में किसी को भी याद नहीं रहता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका बॉक्स दिखाता हूँ। यहाँ पे मैक्सटर Z1 SSD, 2.5 इंटरनल ड्राइव, 480 GB, और यहाँ पे स्पीड मेंशनड है 6 GBPS, जो इसका मैक्सिमम स्पीड, ऑल्सो कंपैटिबल विद 3 GBPS एंड 1.5 GBPS। और ये सीगेट मैन्युफैक्चर्ड है। यहाँ बॉक्स को पीछे टर्न करते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ ताइवान है। प्लस बॉक्स पे जो वैसे MRP लिखी है वो तो 10,000 है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बट आपको ये ऑलमोस्ट 4,500 और 5,000 प्लस GST पे आपको ये अवेलेबल है। और यहाँ पे सील लगा हुआ है सीगेट का। तो ये है SSD का फ्रंट व्यू, सिंपल मैक्सटर सॉलिड स्टेट ड्राइव लिखा हुआ है, और तो काफ़ी अच्छा, बट प्लास्टिक ही फील होता है, बट काफ़ी अच्छा फील है इस पर। प्लस अगर SSD को पीछे टर्न करते हैं तो ये आपको QR कोड मिलेगा, सीरियल नंबर मिलेगा, पार्ट नंबर मिलेगा यहाँ पे, और कितना स्पेस है 480 GB, स्पीड मैक्सिमम कितना सपोर्ट करता है, और यहाँ पे 4 स्क्रूज लगाने का ऑप्शन है। यहाँ पे साइड में है विद गोल्डन रिंग आपको मिलता है, जो कि ए डेटा या किंगस्टन पे नहीं मिलता है ऐसा। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज ए डेटा एंड किंगस्टन के कंपेयर में तो ये ज़्यादा बेटर है। और ये सामने की तरफ है साटा पोर्ट, बाकी स्पीड वाइज ये कितना बेटर है वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल मैं इसका दो फेज में स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। एक तो ये ओरिको के USB 3 के केस में इसको लगा के चेक करूँगा, जो कि पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने इस ओरिको के केस को यूज़ किया है, और उसमें मैंने वीडियो और सॉरी उस पर मैंने SSD और हार्ड डिस्क का स्पीड टेस्ट किया है। दूसरा, मेरे पास एक नया लैपटॉप है जिसपे मैं SSD मैक्सटर SSD को यूज़ करके वहाँ पे विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके बाद फिर एक और स्पीड टेस्ट करेंगे कि जब ये डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है तो उस पर कितना बेटर स्पीड आपको मिलता है। तो ये वीडियो देखते रहिए। चलिए सबसे पहले तो स्पीड टेस्ट करते हैं ओरिको के साथ, उसके बाद विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। तो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का टाइम मैं लंबा नहीं रखूँगा, वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद एक स्पीड टेस्ट करेंगे।